जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो हमारा काम है कि हम लाइट और म्यूजिक वाले टॉयज थोड़े कम करें और उनके लिए एजुकेशनल टॉयज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो आज है मेरे पास यहाँ पे 5 से 6 एजुकेशनल टॉयज जो कि वियान को कुछ गिफ्ट में मिले हैं और कुछ मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। तो आज मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर वी हैव दिस अल्फाबेट मैट। दिस इज़ रियली वेरी कूल टॉय। यू कैन यूज़ इट द मल्टीपल वेज। इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं प्लस इसमें 0 to 9 नंबर्स भी मैंशन है। सो यू कैन टीच द काउंटिंग एज वेल। सेकेंडली यू कैन मेक थिंग्स विद ड्राॅइंग करके एक अच्छा सा मैट बना सकते हैं आप, एक बस बना सकते हैं आप, एक घर बना सकते हैं। मैंने इसको ज्वाइन करके एक बार एक कैटल फार्म बनाया था जिसमें मैंने एनिमल पार्टी रखी थी और वियान ने उस पार्टी में बहुत इन्जॉय किया। यू कैन सी द फुटेज हियर। एंड द सेकेंड यूजेज इज़ कि ये जो इसमें अल्फाबेट्स हैं दे आर रिमूवेबल, तो आप इसको निकाल कर बच्चों के साथ पजल्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑन द सेकेंड नंबर वी हैव दिस नंबर पजल। अभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबर रिकग्निशन आता है, उनको काउंट करना नहीं आता है। 1 to 10 अगर बच्चों को नहीं आता है तो आप इस टॉय के ज़रिए भी सिखा सकते हैं। इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर टोटल 56 पजल पीसेस हैं जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। जैसे कि 1 लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर एक टॉय बना हुआ है, दैट मीन्स ओनली 1 टॉय। सो यू कैन टीच द कंसेप्ट ऑफ नंबर रिकग्निशन एंड काउंटिंग बोथ। On the third number, we have these magnetic alphabets along with this board. And इसके अंदर और क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो board है इसके ऊपर आप alphabets को place कर सकते हैं। हमें बहुत सारे alphabets मिलते हैं, अपर केस, लोअर केस, एंड इस पे alphabets को stick करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। Plus इसमें आपके numbers भी हैं। Plus इनकी खासियत ये है कि आप इसे fridge पर भी use कर सकते हैं, आप इसे white board पर भी use कर सकते हैं। And make sure the white board is magnetic. तो ये भी मस्ट बाय है एंड ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब हम बच्चों को फोनिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ वर्कशीट्स गिवन हैं जिसमें कि बच्चे जो हैं वो CAKE KAKE के लिखना सीख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी वर्कशीट्स हैं, आई थिंक दे आर 10 वर्कशीट्स। अगर आपने मेरी फोनिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप बच्चों को फोनिक्स किस तरह से पढ़ा सकते हैं। और नंबर फोर्थ वी हैव दिस मेक एंड स्पेल। आई नो अभी तक बच्चों को स्पेलिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें नहीं आती हैं, स्टिल आई एम शोइंग दिस टू यू बिकॉज ये आपको अभी भी काम आएगा एंड बाद में भी काम आएगा। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से हमें ये पजल पीसेस मिल जाते हैं। ये वाला पजल है, ये मुझे वर्ड बना के दे रहा है कार, CAR कार। इस तरह से 50 वर्ड्स बन जाएंगे इस पजल के साथ। सी हियर कि ये जो एक पिक्चर है ये कार की पिक्चर है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बच्चों को पहले इसको ज्वाइन करना है एंड देन दे हैव टू रिकग्नाइज द लेटर कि किस लेटर से स्टार्ट होता है ये वाला व्हीकल। इसके साथ ही हमें ये डस्टर भी मिला है जिससे कि हम यूज़ कर सकते हैं इसको इरेज करने के लिए। तो इससे बच्चे टोटल 50 वर्ड्स तो आराम से सीख जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाय। ऑन द फिफ्थ नंबर वी हैव दिस जूनियर अबेकस। दिस इज़ वेरी गुड गेम एंड इसको असेंबल करना भी बहुत आसान है। ये देखिए अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इसमें टोटल 0 to 9 के सारे नंबर्स मिल जाते हैं और हमें इसको सिर्फ लाइन से लगाते रहना है। उसके साथ ही साथ हमें कुछ इस तरह के पाइप्स मिलते हैं जो कि हमें यहाँ पर अटैच करना है एंड उसे अटैच करने के बाद वी हैव गॉट सम शेप्स जिससे कि, और उसके बाद हमें इसमें इसको इंसर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4, सो चाइल्ड हैज़ टू पुट 4 प्लस हियर, 1, 3, 4। You can teach counting with this. This is perfect for teaching counting to kids. So this is also a very good option. So guys, ये थी वियान के कुछ educational toys जो कि मैं आपके साथ share करने चाहती थी। I hope आपको video पसंद आई होगी and अगर आप इनमें से कोई भी toy खरीदना चाहते हैं तो link नीचे description box में mentioned है, just go for it. Thank you so much for watching the video. We'll meet in the next one really very soon. Bye bye.